नागपुर के महापौर संदीप जोशी रात को घर की ओर जा रहे थे। उसी दौरान तीन अज्ञात हमलावरों ने बंदूक से जानलेवा हमला किया। घटना की जानकारी मिलते ही नागपुर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रहे है। शहर में विधानसभा सत्र चल रहा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। ऐसे में देर रात महापौर संदीप जोशी की कार पर अज्ञात हमलावरों ने बंदूक से जानलेवा हमला कर दिया। घटना मंगलवार देर रात करीब 12 बजे वर्धा रोड पर एम्प्रेस पैलेस के पास हुई। हालांकि घटना में महापौर बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि महापौर परिवार के साथ किसी काम से गए थे। लौटते समय अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार पर 3 राउंड फायर किया। इसके बाद बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद महापौर का परिवार दहशत में है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि 4 दिसंबर को महापौर को धमकी भरा पत्र भी लिखा था, जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसकी शिकायत भी सदर थाने में की गई थी। खास है कि पदभार संभालते ही महापौर अतिक्रमण के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहे हैं। शायद ये कार्यवाही कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ संजय मिरे की रिपोर्ट।